ইলে পাওয়ার পেতে সেটা মার গেছে ফার্স্ট পাওয়ার প্লেজ অন দোন খেলাড়ু 30 গজ দায়রাচ্যা বাহির আপন পাহতো আহে আনি সামনা সুরু হতো আহে লেটস প্লে বিগিন हा चेंडू फुल टॉस गोलंदाज चेंडू खेळणं खेळणार परंतु मिडॉनला ठीक से अडवत नाहीये आणि दुसरी धाव नक्कीच पुरी करतायत क्षेत्ररक्षणामध्ये गफलत थोडं ढेपाळलेलं पहिल्या चेंडूवर पाहायला मिळालं सुयोग गोलंदाज व्हाईट टायगर ढोकाळीचा हा आघाडीचा स्ट्रायकर बॉलर सुयोग आपण दोन खेळाडू बघतोय लेग साईडला 30 गज यार्डच्या बाहेर बरोबर डीप लॉन्ग ऑन आणि डीप मिड विकेट अशी रचना दरम्यान सुयोग लेफ्ट आर्म राऊंड हा फुल टॉस लूज डिलिव्हरी टॉप क्लास हवेत खेळलाय लॉन्ग ऑफला वन बाउंस सीमारच्या पार हा येतोय पहिला खनखन फुलटॉसला लवकर ओळखलं आणि जागेवरूनच फुलटॉसला धाडलं लॉंग ऑफ क्षेत्र खाली आहे तिथून चेंडू जातोय सीमारेखा पार दरम्यान गोलंदाज सुयोग हाय फुलटॉस पण यावेळी ठीक बॅटवर येत नाहीये सर्कल मध्ये अडवला जाईल मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळेल पण तिन्ही चेंडू फुलटॉस टप्पा पडतच नाहीये सुयोगचा धाव संख्या धावफळकावर 7 धावा बिनबाद दोन्ही आघाडीचे फलंदाज लूज डिलिव्हरीचा चांगला पहिला दुसऱ्या चेंडूचा फायदा घेतला चौकाराला धाडला दरम्यान यावेळी परत एकदा पुढे टाकलेला चेंडू यावेळी बाहेर चिकट लागली आहे आणि विकेट किपरने आजल टिपलाय पहिला धक्का पहिला हादरा एकविरा स्पोर्ट्स बालकुम संघाला बाहेर आणि तो सरळ निघाला अतुल जो पहिल्यांदा समोर जात होता फ्रंट फुट ला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि बाहेर चिकट लागली यष्टी रक्षक तयारीत होता वाट बघत होता त्याच्या हातात झेल सुखरूप 7 धावांवर पहिला गडी बाद यश मिळते सुयोगला नवीन फलंदाज अजय वन डाऊन स्पेशलिस्ट बॅट्समन अजय स्ट्राईक एंडला सामोर जातो सुयोगच्या पुढच्या चेंडूला यावेळी स्लॅशिंग एअर हवेत आहे आणि हा जाईल चौकार वन बाउन्स पुन्हा लॉंग ऑफ क्षेत्र खाली आहे दॅट्स अ बाउंड्री उघडलं धावसंख्या 11 शेवटचा चेंडू यावेळी बाहेर चिकट परंतु नो मॅच लँड खाली क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळेल कशी बशी षटक होतोय पूर्ण धावसंख्या 12 एक गडी बाद 12 धावा एक गडी बाद मीटिंग अलाउड नाहीये चला आपापल्या जागेवर सर्व एकत्र येऊन काय करणार हाही प्रश्न आहे सर्वजण एकत्र येतात हा फंडाच कळला नाहीये ज्याचा काही रोल नसतो तो पण एकत्र येतो गर्दीमध्ये गर्दी चला वेळ कमी आपल्याकडे 25 मिनिटात आपल्याला 5 षटक पूर्ण करायची आहेत याची नोंद घ्या
टाइमर लावलं जातं स्कोर एंडकडे, स्कोर स्कोरवर आमचा टाइमर लावतो आणि नंतर ती माहिती आम्ही समालोचन माध्यमातून आपल्याला देतो. दुसरा पॉवर प्ले षटक, दुसरा पॉवर प्लेचं षटक. तीन खेळाडू 30 गज दायरेच्या बाहेर, तीन खेळाडू 30 गज दायरेच्या बाहेर या नियमाप्रमाणे. चार षटकांचं आहे, माफ करा, सॉरी. पॉवर प्ले पहिले षटकच पॉवर प्लेचं, बाकी तीन रेग्युलर. दरम्यान गोलंदाजीत बदल, हर्षित पहिलं षटक 12 धावांचं 2 चौकार यामध्ये लगावण्यात आले. एक्विरा स्पोर्ट्स गाळकुम टॉस जिंकून, टॉस जिंकल्यावर फलंदाजी घेतला तो निर्णय योग्य का योग्य हे षटक ठरवेल. हर्षित कॉमेंट्री बॉक्स एंड करणार. हा चेंडू हवेत आहे, झेल नक्कीच आहे. विकेट किपर खाली येतोय, आरामात झेल टिपतोय. दुसरा धक्का एक्विरा स्पोर्ट बाळकुमला. टाकलेला चेंडू पुलर लेन आणि त्यावर ठीकसा प्रहार करू शकत नाहीये, पोझिशन मध्ये येत नाहीये. टॉपेज लागून विकेट किपरने झेल टिपला. भावेश, भावेश स्ट्राइक एंडला. पहिल्या चेंडूवर यश मिळते पण ठीक बॅटिंग पाहायला नाही मिळाली. जागेवरून तुम्हाला हे शॉट खेळता येणार नाही, त्यासाठी तुम्हाला चेंडूवर जावं लागेल, बॉलवर जावं लागेल. तसा अभाव दिसला आणि विकेट डाऊन. दरम्यान दुसरा चेंडू हा चेंडू ओ लाईव्ह शॉट हवे झेल आहे. डीप लॉंग ऑनला खेळाडू ओ वाट बघतोय आणि त्यानंतर तोंड लपवलं हाताने. आता का झाकलं तोंड, चूक तर झाली, क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. हा इझी कॅच होता, इझी कॅच, जागेवर हलायचं सुद्धा नव्हतं. दुसरा धक्का, तिसरा धक्का लागत होता. आल्या आल्या परतीचं तिकीट बुक केलेलं फलंदाजाने, मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला होता, पण तो क्षेत्ररक्षक झेलू शकला नाही. एवढं मोठं व्यासपीठ आहे तुम्हाला, स्टेज आहे. गावदी स्पोर्ट गाळकुंची सर्वात मोठी स्पर्धा, त्यामध्ये खेळणं बघूया. गोलंदाज हर्षित हा कडक आहे पण हाय झेल आहे, उंची जास्त रुंदी कमी, घेतला झेल, दिली विकेटची हमी, विकेट डाऊन. आणि वडगळ खारीगाव संघ आणि वडगळ संघ, आपण इथे दाखल झाला असाल तर कृपया आपल्या उपस्थितीची नोंद आमच्या समालोचन कक्षाकडे करा. खारीगाव संघ आपण आला असाल, वडगळ संघ आपण आला असाल, कुठले खेळाडू आले असतील तरी आपली उपस्थिती आम्हाला दाखवा. गणेश मैदानात, खरं ती हॅट्रिक झाली असती आता, दुसरा जर घेतला असता तर. तू क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्व नाही, काहीतरी कर आणि करून दाखव याला महत्व. पण चांगली गोलंदाजी करतोय हर्षन, हर्षित चांगला मारा करतोय. चेंडू पुढे ठेवतोय. हा फुल टॉस कव्हर क्षेत्रामध्ये, एकच धाव मिळेल. चांगली वेगाने धाव पूर्ण केली, कॉलला रिस्पॉन्स दिला नॉन स्ट्राइकर बॅट्समॅनने. दरम्यान हर्षित एकच लूज डिलिव्हरी, फुल टॉस, बाकी चांगला मारा केला हर्षितने. टप्प्यावर गोलंदाजी केली, वेल बॉल, वेल बॉल, नाईस केला ऑफ डिलिव्हरी. यावेळी गुड लाईन स्पॉटला चेंडू सोडला, फलंदाज आडव्या बॅटने बिगिट करायला गेला. क्रॉस बॅटेड शॉट, संपर्क होत नाही बॅट अँड बॉलचा. 1-2 गो नाव. शेवटचा चेंडू, षटकातील शिल्लक.
चांगलं षटक हाताळलंय आतापर्यंत हर्षितने. व्हाईट टायगर ठोकाळीचा हा एक भरोसे मंद आणि डिपेंडेबल बॉलर. यावेळी नाईस लुकिंग शॉट पुढ्यात टाकला, खेचून काढलाय, डीप लॉंग ऑनला उडवलाय, डीप लॉंग ऑनच्या डोक्यावर हा येतोय. हाय अँड हँडसम मॅक्झिमम षटकार. षटकांचा सामना आहे त्यामुळे फलंदाज आता मोठी फलंदाजी करतोय. धावसंख्या 21-21, 21 धावा धावफलकावर लागले आहेत. तीन गडी बाद 21 अशी धावसंख्या. दरम्यान GTC लाईव्हच्या माध्यमातून सर्व सामन्यांचं थेट प्रक्षेपण आपण GTC लाईव्ह आपल्याकडे मोबाईल असेल तर यूट्यूब चॅनल आहे, फार सुंदर प्रक्षेपण करतात GTC लाईव्हचे कॅमेरामॅन टेक्निशियन्स. आजचा तिसरा दिवस आणि षटक आहे तिसरं पहिल्या सामन्यातलं. वरुण आपला बॉलिंग मार्कवर सज्ज. 21 धावा सरासरी 10.5 धावांची आहे. वरुण वर द विकेट. यावेळी चुकलाय फटका, झेल होतो का बघूया. ओ हा अंदाज आपला आपला अंदाज चुकला आणि चेंडू गेला ए वन बाउन्स सीमा रेखा पार लांगा बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. एवढ्या चुका केल्या, एवढ्या एरर मिस्टेक, या मिस्टेक तुम्हाला भोगावं लागणार आहेत. हा हाही झेल आहे परंतु नोमॅन्स लँडमध्ये ठीकसा बॅटवर येत नाही आहे. लॉंग ऑफचा गडू येतोय, थ्रो कमकुवत लूज, त्यामुळे दोन धावा पूर्ण करण्यात काही दिक्कत नाही आहे. दोन धावा आरामात पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या धाबलकावर 27-27, पण झेल सुटले तीन झेल जे सुटले त्यामुळे धावसंख्येला आला वेग. चांगली गोलंदाजी करत आहेत पण फिल्डर क्षेत्रक्षकांची साथ त्यांना मिळत नाही आहे. दरम्यान वरुण राईट मोर द विकेट. ओ वेल बॉल यावेळी यॉर्कर आणि वरुण जरा खुश कारण त्याने आता स्वतः विकेट घेतली आहे. मागे बघू नका, दांडी गुल गुल गुल. आपल्याला कॉमेंट्री बॉक्स समोर. दरम्यान वरुण हा यॉर्कर लेन वेल बॉल आणि LBW नो डाऊट मधल्या अष्टीवर सापडलाय लागोपाठ दोन बळी आणि वरुण आता हॅट्रिक वर विकेट डाऊन. जा आपण आतमध्ये जा, नो डाऊट तुम्ही आत आलात मग भीती कसली. मानस नवीन फलंदाज, वरुण आता हॅट्रिकवर. सकाळच्या वेळी जरा जॉगिंग करत जावं नेहमी. फलंदाज नेहमी संत का चालतात यावर पण एक प्रश्न आहे. दरम्यान वरुण आता हॅट्रिकवर हॅट्रिक घेतली वरुणने तर वरुणला बरंच काही मिळेल.
दरम्यान वरून हॅट्रिक बॉल घेऊन, ओ ब्युटी, काय सुंदर चेंडू आहे, टप्पा पडतोय, चेंडूला बाउन्स मिळतोय, फलंदाज चुकतोय, बाहेरची कड लागली होती का? हो नक्कीच, पंचांचा काही इशारा येत नाहीये, ही कॅशच होती आणि हॅट्रिक चुकली. एक धाव मिळते पण ही हॅट्रिक होती. हा सुटलेला चौथा झेल, 28 धावा, 28 वरून चांगला मारा करतोय, मोकळी घेत नाहीये. वेल बॉल, वेल प्लेड, ऑल्सो बॅक टू द बॉलर, डिफेन्सिव्ह पुश लॉंगॉनच्या दिशेला, चेंडू निघतोय. याबरोबर धावसंख्या 29, 3 षटक पूर्ण, 29 धावा, 4 गडी बाद. वडगळ आणि खारेगाव संघ, दोन्ही संघ कृपया 4 षटकानंतर टॉससाठी कृपया टॉस बॉक्सकडे यावं. वडगळ टीम कॅप्टन अँड टीम कॅप्टन ऑफ खारेगाव टॉससाठी यावं ताबडतोब. आपण 4 षटकानंतर टॉस बॉक्सकडे यावं, प्रयाण करावं. सामना आपण बघतोय एकविरा स्पोर्ट्स बाळकोण विरुद्ध व्हाईट टायगर डोकाळी या दोन संघांमध्ये. 29 धावा, 4 गडी बाद, धावफलक दर्शवतोय. चांगलं षटक टाकलं वरुणनी, नक्कीच चांगलं हाताळलं. 5 विकेट आहेत, 5 विकेट डाऊन, चांगली मारा केलाय नक्की, पण झेली सुटलेत, नाहीतर धावसंख्येला मर्यादा आली असती नक्कीच. वडगळ आणि खारेगाव, आपण आम्ही आपल्याला वारंवार पुकारा करतोय, टीम वडगळ टीम खारेगाव. हा स्लोअर वन, लूज डिलिव्हरी, फिरलाय हवेत चेंडू, आहे विकेट किपर घेणार नाही, अंदाज चुकला, मिस जजमेंट. एकदा संधी, 5वी, 5वा झेल सुटलाय अनिकेत गोलंदाज, शेवटचा षटक हाताळतोय. डेप्थ ओव्हर स्लॅग गोवा, दरम्यान हा चेंडू, हा उडवलाय चेंडूला, लॉंग ऑफला खेळाडू वाढ बघतोय, एकापेक्षा जास्त काहीच नाही. धावसंख्या 31, 31, 4 चेंडू शिल्लक. आज स्कोरच्या भूमिकेत विजय होते, बरोबर लिहित आहेत, हे महत्वाचं आहे. दरम्यान ओ वेल बॉल, यॉर्कर लेन, पायांची हालचाल नाही आहे, काहीच नाही आहे, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न, बीट होतोय, संपर्क होत नाही आहे काही बॅटबॉलचा, पण चांगला चेंडू अनिकेतचा. चौथा चेंडू, हा फुलर लेन बाहेर निघाला, अति बाहेर निघाला, पंचाने हात बाहेर काढले, इशारा आला वाईडचा, चेंडू परत टाका, बॉल परत टाका. धावसंख्या 32, लेग ब्रेक आहे तुमच्याकडे, पण तो जास्त ब्रेक होतोय. ओ वेल बॉल, काय वळलाय, एवढा टर्न तुमच्याकडे आहे, मग वाट कसली बघताय, एवढा टर्न जर तुम्हाला मिळतोय, असे गोलंदाज काचेच्या विकेटवर पण बॉल फिरवतील, एवढ्या या विकेटवर बॉल जर तुम्ही वळवला मातीच्या विकेटवर, तर समजा तुमच्याकडे टॅलेंट आहे, बोटामध्ये जादू आहे, कौशल्य आहे, सराव पाहिजे. हा चुकलाय मिस्टो, काय नो मॅन्स लँड मध्ये. एक धाव, चांगला मारा करतोय, फ्लाइट करतोय, लेग ब्रेक होतोय, बोट फिरवतोय नक्कीच बॉलवर, ना लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू, चांगलं षटक हाताळले आतापर्यंत, दोन षटकात 20-21 धावा होत्या, आता मर्यादा आणली. हा शॉर्ट आर्म पुल, ठीक बॅटवर येत नाहीये, डीप स्कलचा खेळू येतोय पुढे, परत चेंडू वळतोय, परत तो चेंडूच्या मागे आणि आपटतोय, पडतोय, उठतोय, परत 4 धावा वाटतं नक्कीच, नाही चेंडू अडवलाय, फलंदाज वाट बघतायत नक्की काय चाललंय, इकडे बघा मिस फिल्डिंग, काय चाललंय कळत नाहीये, इकडून तिकडे चोईकडे धावाच आहे तिकडे. 5 धावा धावल्या, मग बाउंड्री दिली असते ते काय वाईट होत, 5 धावा धावून काढल्या, काय चाललं कळत नव्हतं, मिस फिल्डिंगचा तर कहर झाला. 39 धावा विजयासाठी, धावसंख्या 38, 39 इज अ टार्गेट, 39 धावांचं आव्हान पहिल्या सामन्यात,
व्हाइट टाइगर समोर समोर संघ आहे तो एकवीरा स्पोर्ट्स बाळकुम आणि व्हाइट टाइगर ढोकाळी. बघूया काय घडेल काय बिघडेल. बोलूया दुसऱ्या इनिंगकडे. माझ्यासोबत जोडले गेलेत शहजाद शेख, त्यांना मी पाचारण केले. एक मुंबऱ्याचा हिंदीचा सुंदर आवाज. ओ टू शहजाद. खारेगाव आणि वडगळ तुम्हाला शेवटचा पुकारा. टीम खारेगाव टीम वडगळ यानंतर आपला सामना आहे तरी त्वरित टॉस बॉक्सिंगकडे यावं नाणेफेकीसाठी. थैंक यू सो मच बंटी देसाई सर. वडगळ टीम चलिए टॉस के लिए आना है. टीम खारेगांव, खारेगांव टीम कैप्टन चलिए टॉस के लिए आ जाइए. वडगळ टीम कैप्टन आ चुके हैं टॉस बॉक्स में, तो आपसे विनंती रहेगी कि प्लीज ज्वाइंट होना है टॉस बॉक्स में. वर्ग टीम कैप्टन आ चुके हैं, खारेगांव टीम कैप्टन रॉयल मराठा आई थिंक सो हेल बॉयज, क्या बात है हेल बॉयज. स्मिथ वेलकम, गुड मॉर्निंग. एंड टॉस हम यहां पर करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा बंटी देसाई सर से कि वो ज्वाइंट हो और टॉस की प्रक्रिया पूरी करें. माननीय श्री राजू जी पाटिल साहेब के शुभ बातों से इस वक्त टॉस की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. नाणेफेकीचे कौल आपण बघतोय. दोन्ही संघ टॉस इज ऑन. नगरसेवक चषकाचा पुकार आहे आणि नगरसेवक चषक टॉस कॉल आपल्या बाजूने. पहिलं अभिनंदन, काय स्वीकाराल टॉस आपल्या बाजूने. फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण सकाळची प्रहर आहे, विकेट चांगली आहे. काय वाटतं कितीपर्यंत धावसंख्या आपण कराल रोखाल. पाच ओव्हर मध्ये 50 आत रोखण्याचा प्रयत्न करू. 50 आत पहिल्यांदा खेळता का इथे खेळलात आपण पहिले. नाही मागच्या वर्षी खेळलेलो आम्ही, सेकंड राऊंडला हरलेलो. ठीक आहे, अनुभव आहे आपल्याला आणि शुभेच्छा तुम्हाला. खूप लांबून आलात विजयाची पताका फडकवाली आशेने. खारेगावचा जाबास टीम टॉस आपल्या बाजूने लागला, काय स्वीकारलं असतं. आम्ही पण फिल्डिंग घेणार होतो. फिल्डिंग नक्कीच, आपली चांगली टीम आहे. गोलंदाजी आणि फलंदाजी आपल्याकडे चांगलीच आहे. समोर वडगळचा संघ आहे, कधी खेळला त्यांच्यावर आमने सामना. नाही फर्स्ट टाइम खेळतो. फर्स्ट टाइम आहे, बघूया. विकेट चांगली आहे, मैदान मोठं आहे, आपल्याकडे नाही आहे ठाणे शहरात एवढं. काय सांगाल या आयोजन आणि मैदानाबद्दल. ठाण्यात खूप मोठेच ग्राउंड आहे, तिकडे फुल सर्कल मिळतो, खूप रेअर आहे. आणि गावदेवी स्पोर्ट्स थँक्यू आम्हाला इथे एंट्री दिली. नक्कीच तुम्हाला शुभेच्छा, चांगला सामना पाहायला मिळेल. वडगळ विरुद्ध खारेगाव, वडगळ वन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड, दॅट इज अ न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इन ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है. व्हाइट टाइगर वर्सेस वर्सेस अपना बैटर के रूप में हम देख सकते हैं अनिकेत और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं इस वक्त साहिल. गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज वेदांत ने. टारगेट 39 रन्स, 4 ओवरों का ये मुकाबला. 3 ओवरों के लिए समय सीमा दी गई है 15 मिनट. टाइमर ऑन है और टाइमर ऑन हो चुका है. 15 मिनट का आपको समय दिया गया है जिसमें आपने आपको अपनी 3 ओवरों की समाप्ति करनी है. 39 रन्स का पीछा करने के लिए पहली गेंद
शॉर्ट पिच गेंद थी, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, प्रॉपरली टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद को जरूर शॉर्ट फाइन लेग में फील किया गया, कोई रन नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी जरूर देखने मिलती हुई इस डॉट डिलीवरी के साथ। गेंदबाज ने की है अपनी गेंदबाजी की शुरुआत, इसके बाद का मुकाबला वडगर वर्सेस टीम हेल बॉयज खारेगांव एक्शन में नजर आएंगे। इस बार प्रहार किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग, पहली सफलता, पहला झटका लगता हुआ बैटिंग यूनिट टीम को। बल्लेबाजी की कमान पर न्यू बैटर मनीष को भेजा गया है, अब देखना ही है मनीष किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि टीम का अकाउंट भी ओपन करना है, टीम का खाता भी खोलना है, और इस वक्त गेंदबाज काफी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दो गेंदों पर अब तक के अकाउंट ओपन नहीं करने दिया, एक विकेट चटकाई है, और इस वक्त अपने बॉलिंग ट्रैक पर बहुत अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर है। इसी बीच ये गेंद मनीष के लिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक रन के लिए निकले हैं, रिक्स से भरा रन है, लेकिन एक रन लेने में सक्षम और कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज, और इस एक रन के साथ अब जाकर अकाउंट ओपन होता हुआ, खाता खुलता हुआ, टीम का श्री गणेशा होता हुआ। व्हाइट टाइगर आजकल कहां बचे हैं, एक आधा बैंगलोर बंगाल वंगाल में हो तो शायद ये व्हाइट टाइगर है, लेकिन जर्सी देखिए हरी कलर की, व्हाइट टाइगर क्या नाम रखा है, खूबसूरत। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, प्रॉपर तरीके से बल्ले पर ये गेंद नहीं आई, और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बिल्कुल बल्लेबाज को गुड मॉर्निंग कहती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट इस वक्त होती हुई गेंद, डॉट डिलीवरी, टैक्स बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, बड़ा हिट, करारा प्रहार करने की कोशिश, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क, चार रन के लिए। इस गेंद पर प्रहार किया, गेंद को आउट ऑफ द पार्क किया, वन बाउंस चार रनों के लिए फरार किया, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट, दो खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन चकमा देती हुई गेंद आउट ऑफ द पार्क चार रन के लिए। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल शरीर पर डाली गई गेंद थी, अपने शरीर से दूर इस गेंद को खेला है, और एक रन चुराने में रहे सक्षम और कामयाब बल्लेबाज साहिल। ओवर की हुई है समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। देखिए पहली ओवर की समाप्ति के लिए आपने 6 मिनट लिए, फील्डिंग यूनिट टीम टाइम लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, समय के अनुसार आपको परफॉर्मेंस करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पहली ओवर के लिए आपने 6 मिनट का समय यहां पर जरूर जरूर वेस्ट किया है, आपको बची हुई 2 ओवर 9 मिनट में समाप्त करनी है। गेंदबाजी की कमान पर नए गेंदबाज आ रहे हैं, स्कोर है 6 रन जीत के लिए, अभी भी 33 यानी 33 रनों की जरूरत, बची हुई 4 ओवर 3 ओवरों में, बिल्कुल यहां से आपको 11 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी करनी है व्हाइट टाइगर टीम को। फील्डिंग सेट करने में अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपको
कंफर्म लास्ट ओवर में पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट बॉल फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश थी, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट जोन में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, थोड़ा लेट थ्रो आता हुआ और दो रन दौड़कर पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नो डाउट। चार ओवरों का ये मुकाबला, एक तरफ व्हाइट टाइगर तो एक तरफ डोकाली, दोनों ही टीमों के बीच इस वक्त चलता हुआ ये महत्वपूर्ण और विशेष मैच। इस बार प्रहार किया था, गेंद को खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, मेरे ख्याल से अभी भी उनकी सुबह नहीं हुई थी, और कैच हुआ है ड्रॉप। साहिल जैसे बिग हिटर बैट्समैन का अगर आप कैच छोड़ते हैं तो आप कैच नहीं मैच छोड़ते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल यस, अंपायर डिसीजन नो बॉल। नेक्स्ट बॉल रहेगी फ्री हिट, बीमर डिलीवरी, ये घातक डिलीवरी मानी जाती है। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा वाइडिश रखा था, टप्पा गुडलैंड स्पॉट से उठता हुआ नजर आया और गेंद डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी 39 रनों का टारगेट है और फ्री हिट वाली बॉल रही इस वक्त डॉट के रूप में। मनीष को भी यहां पर अब हाथ खोलने होंगे और रनों को बनाना होगा। फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया है डीप का कॉर्नर रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड था, लेकिन बैकअप पर खिलाड़ी तैनात थे। चलिए एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी व्हाइट टाइगर, यहां पर आपको अटैक करना होगा। जिस तरीके से जंगल में टाइगर हमला करता है उसी तरीके से आपको भी अब यहां पर अटैक करना होगा, हमला करना होगा। ओह साहिल प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद हवा में है, डीप वाइडिश मिड विकेट से आकर खिलाड़ी ने इस कैच को बनाया, कैच को नहीं मैच को बनाया, एक और सफेद शेड ढेर। स्कोर 10 रन, दो आंकड़ों में दर्शाता हुआ 10 रन, जीत के लिए 29 रनों की और जरूरत। नेक्स्ट बॉल डाउन द ग्राउंड खेला था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक रन दूसरे रन के लिए निकले हैं। देखिए मौके पर कीपर ने आकर बैकअप में गेंद को फील्ड किया और दो रन। चलिए ओवर हुआ है इस वक्त समाप्त और लगभग 11 मिनट फील्डिंग टीम, 11 मिनट 4 मिनट में ये ओवर समाप्त करनी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा।
चार मिनट की समय सीमा है आपके पास। चार मिनट में अगर आपने ये ओवर की समाप्ति नहीं की तो फिर आपको जो चार खिलाड़ी 38 सर्कल में आपके तैनात है उस जगह पांच खिलाड़ी आपको तैनात करने होंगे। टाइमर ऑन है, टाइमर अभी भी ऑन है, सेम पोजीशन में फील्डिंग है, फील्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, नए गेंदबाज आए हैं। अतुल फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेक करता माशा दिखाने की कोशिश, गेंद को खेल दिया है डीप वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के पार, ये आता हुआ दर्जेदार खनखनीत षटकार 6 रन। गेंद आउट ऑफ द पार्क ही है लेकिन देखिए फील्डिंग में बदलाव जारी है। मनीष के ये बल्ले से आता हुआ बिग हिट और इस 6 के साथ रनों की रन संख्या में भी बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 20 रनों की जरूरत है, 20 रन इस वक्त। ये अच्छी गेंद थी, फॉलो थ्रो में स्टॉप करने की कोशिश, चाहते तो सिंगल रन ले सकते थे लेकिन रिक्स नहीं लिया। मनीष ने स्ट्राइक अपने पास रखी है, मनीष को कॉन्फिडेंस है कि अगर प्रॉपरली गेंद उनके पाले में आई तो वो आउट ऑफ द पार्क भेज सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा हिट लगने के बाद मनीष का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है। नेक्स्ट बॉल, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, आड़े बैट से खेला था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। चलिए समय के अनुसार अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते बैटर्स, आपको हर बॉल पे एक दूसरे से चर्चा करने की अनुमति नहीं है, ये चीज आप भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बॉल, बड़ा हिट, दिस इज अ बिग हिट आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 26, 26 रन, जीत के लिए अभी भी 13 रनों की जरूरत। यस, देखिए हेल बॉयज टीम, आपको ताबड़तोप ग्राउंड का ताबा लेना है, वर्गर टीम आपको ताबड़तोप ग्राउंड का ताबा लेना है, और हेल बॉयज खारेगांव आपको डगआउट में आना है। स्मिथ अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स और हमारे वीआईपी डाइस के बाजू में जो लेफ्ट साइड में डगआउट बनाया गया है, स्मिथ वहां पर अपने खिलाड़ी को लेकर आ जाए प्लीज। क्या बात है, व्हाइट टाइगर, ये 6 के बाद इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, ये अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे और इस वक्त एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। अब गेंदें बची हैं 6 और जीत के लिए 12 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 12 रन। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम गाइस, थोड़ा सा कॉपरेट करना है आपको, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वेलकम बागल, आज दोनों भाई एक ही टीम, क्या बात है, वेलकम। चलिए स्टार्ट द मैच, अंपायर्स मैच को ऑन कराना है और 6 गेंदे 12 रन। इस बार ये बेहतरीन टाइमिंग, प्रॉपर स्ट्रोक,
खेल दिया है 4 रन के लिए। What a beautiful stroke, Ritwik. आज अपनी टीम के लिए ऋतिक रोल, ऋतिक रोशन का रोल प्ले कर रहे हैं ऋत्विक, बड़ा हिट। इस बार देखिए प्रॉपर टाइमिंग किया था नहीं, गेंद हवा में है, कैच हुआ हेड ऑफ। 2 रन दौड़ के लिए, 3 रन के लिए निकले हैं और 3 रन। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खड़े थे, कैच की तरफ निगाहें थी, सूरज से निगाहें मिलाकर कैच बनाना चाह रहे थे और गलती कर बैठे। ये कैच नहीं है, आपने मैच छोड़ा है। चलिए कम उम्र के खिलाड़ी हैं, अनुभव भी कम होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त जरूर बल्लेबाजों का हाई है। जब मैच की शुरुआत हुई, इस ओवर की शुरुआत हुई तो 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी, 2 गेंदों पर बन गए हैं 7 रन, यानी जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, कीपर खुद गेंद के नीचे और ये अच्छा कैच, विकेट का हुआ है पतंग। हर्षित 3 गेंदों में 5 रन की जरूरत, 3-5 का ये मुकाबला, ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बॉल पर कुछ चमत्कार कर दिया गेंदबाज ने, एक आधा गेंद अगर यहां पर डॉट कर दी तो दबाव बन सकता है, इस गेंद पर अगर विकेट आ गया तो फिर समझ लीजिए डोकाली टीम ने यहां पर दबाव जरूर निर्माण कर दिया। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोनों ही टीमों के लिए, इस बॉल पर देखना है कितने रन आते हैं या फिर अंकुश लगता है। नेक्स्ट बॉल, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट, गेंद एक्स्ट्रा कवर जोन में, दौड़कर 2 रन यहां पर पूरे किए, 2 गेंदे 3 रन, 2 गेंदों में 3 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, 2 गेंदे 3 रन, एक आधा डॉट डिलीवरी भारी पड़ जाएगी, एक आधा विकेट यहां पर गिरा तो टेंशन। ये बॉल क्या होगा देखते हैं। इसी बीच ये गेंद, एज लगा है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, गेंद कन्वर्ट और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है टीम व्हाइट टाइगर।